हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और बेहतरीन लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे चार्ट को डिज़ाइन करना, ठीक है। सो, जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा, डेटा एनालिस्ट का पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर, सीख लीजिए सारी चीज़ें। सभी कोर्सेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर भी, ओके। और कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में सो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो, आगे बढ़ने के साथ साथ सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेगुलरली जो हमारी वीडियोस हैं वो मिलती रहें और आप रेगुलरली सीखते रहें, ओके। सो, यहाँ पर चार्ट को हमने प्रिपेयर कैसे करना है वो सीख लिया था, चार्ट के एलिमेंट हमने सीख लिए थे, ओके। सो, अब जो है वो चार्ट को डिज़ाइन करना है वो देखेंगे हम लोग, ओके स्टूडेंट्स। सो, प्रीवियस वीडियोज अगर नहीं देखे ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा एनालिस्ट की, तो देख लो, ठीक है। मैं नहीं चाहता किसी का कुछ भी पॉइंट मिस हो, ओके। सो, यहाँ पर हमने क्या करा, डेटा है, डेटा का हमने ये बना लिया है हमने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, और इसके ऊपर हमने थोड़े से चार्ट एलिमेंट्स भी लगा दिए हैं, ओके। सो, चार्ट एलिमेंट्स लगाना भी आप आई होप प्रैक्टिस कर ली होगी सभी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर के जरिए। सो, अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जैसे चार्ट बनाने के बाद ना लेफ्ट क्लिक करो चार्ट के ऊपर साइड में कहीं, तो डिज़ाइन खुल जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले चार्ट एलिमेंट तो सीख ही चुके हो प्रीवियस लेक्चर में, क्विक लेआउट देखते हैं। तो ये क्विक लेआउट क्या है, ये अलग अलग तरीके से आप देखो चार्ट्स के ना आपको अलग अलग डिज़ाइन दिखा देगा, ठीक है, जो चार्ट आपने बनाया ना उसी के। तो ये आप सिंपली इसके ज़रिए भी कर सकते हो, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनके ज़रिए, या फिर इनके ज़रिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगे, राइट। जैसे यहाँ पर देखो, या फिर यहाँ पर देखो, तो वही चीज़ है, बस इनके साथ थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करिए, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका था क्विक लेआउट का क्या यूज़ है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब कलर्स के साथ देख लो, तो अलग अलग कलर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट, तो जिनका यूज़ कर सकते हो, ओके। और एक यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ अवेलेबल है, चार्ट स्टाइल, सिंपल चार्ट के अलग अलग आपको यहाँ पर ये इस तरीके से स्टाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उसके साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक और एक अच्छा ऑप्शन है, स्विच रो कॉलम, राइट, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अब ये स्विच रो कॉलम क्या है, अभी आप देखो, जो यहाँ पर ये जो अमन है, हॉरिजॉन्टल पर जो कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स के नेम की है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पर जो कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स के नेम्स की है, और हर एक नेम में क्या है, तीन सीरीज है, ठीक है, हर एक नेम में तीन सीरीज है, एग्जाम वन, ये एग्जाम टू, ये एग्जाम थ्री, हर एक कैटेगरी में तीन सीरीज है। लेकिन अगर मैं इस चार्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके स्विच रो कॉलम करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, जो सीरीज थी वो अब कैटेगरी बन गई, ठीक है, और जो कैटेगरी थी यानी कि नेम्स, वो अब सीरीज बन गए। तो चार्ट का ना बस क्या हुआ है, एक तरीके से आप समझ लो थोड़ा विजुलाइजेशन चेंज हुआ है। तो अब ये एग्जाम के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, और ये क्या है, अमन का डेटा, ये है रोहित का, ये सोनिया, ये जगमोहन, इस तरीके से। फिर से करता हूँ, तो आप देखो अब स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, क्लियर। सेलेक्ट डेटा भी कर सकते हो आप यहाँ पे। अब सेलेक्ट डेटा सिंपली पहले तो जिस चार्ट के ऊपर लगाना है आपको मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, मल्टीपल चार्ट्स भी हो सकते हैं, तो सिंपली जिस चार्ट के ऊपर लगा रहे हो ना मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर लो पहले। अब देखो यहाँ पर अगर मैं जैसे एग्जाम वन के ऊपर से टिक हटा दूँ, तो सिर्फ एग्जाम टू और एग्जाम थ्री का डेटा दिखाई देगा, देखो एग्जाम टू और एग्जाम थ्री का डेटा ही दिख रहा है, क्लियर। या फिर अगर मैं दो नेम्स हटा दूं, सिर्फ रोहित और जगमोहन का ही डेटा दिखाएगा तीनों एग्जाम्स का, यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों एग्जाम्स का, क्लियर, रोहित और जगमोहन का, तो रोहित एंड जगमोहन तीनों एग्जाम्स का डेटा दिखाएगा, क्लियर।
सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं स्टूडेंट्स एक और न्यू अमेजिंग लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.